गाल बुधाई दो हला ते माली कम्युनिटी ऐं लोहाणा कम्युनिटी जे जेका जेन्युइन ॻाल्हि कंदो साईं तव्हांखे चवंदुसि महिरबानी करे इहा शेयर बि कजो। जेका शइ हिते अॼु भंडारे में जेका असांखे महसूसु थी उहो वरी इंतिहा पसंदी महसूसु थी। हिते माली कम्युनिटी ऐं लोहाणा कम्युनिटी जे माण्हुनि, भील कम्युनिटी जा, कोली कम्युनिटी, मेवाड़ कम्युनिटी जे माण्हुनि सां या माली कम्युनिटी भंडारा चलाती है, क्या आप तरावड़ा और भील या ओड वगैरह आप क्या भंडारा नहीं चला सकते यहाँ पे? मैं आपको ये बताता चलूं कि इधर हमारा इधर हमें प्लाट देने की ये कोशिश नहीं कर रहे। हम प्लाट मांगते हैं लेकिन ये हमें प्लाट भी नहीं। दोस्तों, शिव महादेव के मंदिर पे मैं मौजूद था और मुझे एक ऐसा नौजवान मिला है जिससे मैं थोड़ी आपकी गुफ्तगू करवाना चाहता हूँ और काफी चीजें जो है हम अभी इनसे जानेंगे लेकिन शॉर्टकट में। जय माता की, नमस्ते। जय माता की, नमस्ते। मैं जो नालो बताया सर एडवोकेट लाला भील। लाला भील साहब, की लगो ता के जियो इते जो जका है ओ जो शिवरात्रि जका ता डेढ़ मनायो ता तमाम जबरदस्त लगो। बाकी भंडारे में एकड़ी तवा के बी गाल बुधाई दो हला तेते माली कम्युनिटी ऐं लोहाणा कम्युनिटी जे जका जेन्युइन गाल कंदो साईं तव्हांखे चवंदुसि महिरबानी करे इहा शेयर बि कजो। जेका शइ हिते अॼु भंडारे में जेका असांखे महसूसु थी उहो वरी इंतिहा पसंदी महसूसु थी। हिते माली कम्युनिटी ऐं लोहाणा कम्युनिटी जे माण्हुनि, भील कम्युनिटी जा, कोली कम्युनिटी, मेवाड़ कम्युनिटी जे माण्हुनि सां भेदभाव रखी मानी हलाई है। ऐं चवंदुसि महिरबानी करे ईअं न करियो। बाक़ी ओवरऑल मेलो तमामु ज़बरदस्त थी गुज़रियो। महाशिवरात्रि है ऐं शिव जो मेले ते असीं वॾा पुरसकून आहियूं ऐं ख़ुशि आहियूं तमामु ज़बरदस्त तरीक़े सां। बरहाल आऊं हिंदू कम्युनिटी जे अकलित बिरादरी जे माण्हुनि खे इहो ज़रूरु चवंदुसि त महिरबानी करे जेकर हिते भंडारो हलायो था त उहो रियल फैक्ट ते हलायो, कंहिं कम्युनिटी बेस ते न हलायो। माली बिरादरी जा माण्हू सिर्फ़ु माली बिरादरी जे माण्हुनि खे मानी खाराइनि था सुठे नमूने सां। वाणिया बिरादरी जा माण्हू वाणिया बिरादरी जे माण्हुनि खे मानी सुठे नमूने खाराइनि था। असांजी अकलित जा बाक़ी जेके माण्हू आहिनि, भील, कोली, मेंगवाड़, ओड, बागड़ी जेके माण्हू अचनि था उन्हनि सां भेदभाव रखनि था। अॼु बि इहा शइ मौजूदु आहे। ऐं चवंदुसि महिरबानी करे ईअं न करियो ऐं इहा शइ असांखे तमामु बुरी लॻी आहे ऐं भंडारो हींअर ख़तमु थी चुको आहे। सियासी सरगर्म है और ये खुद एडवोकेट है। हम दो शेड्यूल कास्ट में कितनी जातें आती है? 40 से 41 जातें जो आती है। अपर क्लास में? अपर क्लास में ठाकुर, बनिए और ब्राह्मण और बाकी जो है जो माली है ना वो भी अपर कास्ट में नहीं है, वो भी शेड्यूल कास्ट में है लेकिन अब अपने आप को वो अपर कास्ट में दिखा रहे हैं लेकिन माली कम्युनिटी भी शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी है। आप आज तो आप क्या देखते हो आज इतनी सारी जो संख्या में 41 से ऊपर जो है आप शेड्यूल कास्ट की जाते हैं जो 95% बनती है वो जो आप अगर काउंट कर रहे हो फिर भी 3% है, उसे हम 5% कर देते, फिर क्या वजह हो सकती है जो आप लोगों को आला ऐवान में नुमाइंदगी नहीं दी जाती? मैं आपको बताता चलूं क्योंकि यहाँ जो पार्टियां हैं वो पैसे वाले लोगों को वो जो है ना वो नुमाइंदगी देते हैं। शेड्यूल कास्ट के पास पैसे नहीं है। मैं आपको हकीकत बताता चलूं यहाँ जो सियासी पार्टियाँ जो भी है ना वो शेड्यूल कास्ट की जो है वो नुमाइंदगी है ना जो अकलित की नुमाइंदगी है वो उसमें अक्सरियत रखने वाले लोगों को नहीं देती। वो अक्सरियत वो जो कम जो है उनकी नुमाइंदगी है उन जातों को पैसों की वजह से नुमाइंदगी देते हैं लेकिन अक्सरियत रखने वालों लोगों को आगे नहीं आने देते उनका नहीं बिल्कुल नहीं आने देते। आपने अभी जो फाइट किया कौन सा एनए या पीएस कौन से में किया था? मैंने पीएस 50 पे फाइट किया है। मैं आपको बताता चलूं क्योंकि मेरी कम्युनिटी जो है उनका बढ़ से बढ़ वोट पड़ता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मेरी कम्युनिटी का वोट आता है लेकिन उनके बाद भी हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी भी भील कम्युनिटी को या मैं तो भील कम्युनिटी की बात करूंगा जिस कम्युनिटी से मैं हूं उनको नुमाइंदगी नहीं दी है बिल्कुल। मैं आपको बताता चलूं ये हमारे हमसे नाम आया वो पंजामल भी तो भील है। पूंजोमल का नाम 10 नंबर पे दिया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या हमारी यहाँ जो सीटें हैं वो सिंध में सीटें पीएस की 9 है, 10 नंबर पूंजो को दिया गया है तो मैं बता रहा हूँ ये हमसे बड़ा मजाक है। 10 सीटें ही नहीं है, सीटें ही सिंध में पूरी 9 है अकलित की। अगर वहाँ 10 नंबर सीट का अनाउंस किया जाए तो मैं कहूँगा ये हमारी कम्युनिटी से बड़ा मजाक है।
लाला भील साहब की जो बात सुनी, उन्होंने कहा है कि हमें जिस तरह हमारा वोट बैंक जो है अकलियत में 95% है, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने हमें जो है वो 10वां नंबर दिया, और जबकि इसी सिंध के अंदर मखसूस सीटें अकलियत की वो है ही 9, तो ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा तजाद है, हमारे साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। किस तरह आपने आज जो है पूरा दिन यहाँ पे आपने गुजारा, और किस तरह आपने देखा, और कल से जो ये शिवरात्रि का महा जो है, शिवरात्रि जो चल रही है, उसमें आपका यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा, किस तरह आपने देखा सारा? देखो, ये हमारी हिंदू बिरादरी का एक बड़ा त्योहार है। हम सारी हिंदू बिरादरी 2 दिन से यहाँ पर इकट्ठे हैं, और ये हमारा सिंध में एक बड़ा, हम आश्रम बोलते हैं या मंदिर, हमारा बड़ा मंदिर है। हम सारी हिंदू बिरादरी यहाँ पर पूजा करते हैं। 2 दिन से या 3 दिन से हमारा शिव मंदिर है, और हम यहाँ पर खुशी से आते हैं और अपने जो पूजा पाठ करते हैं, और खुशी से यहाँ से जो भी प्रोग्राम हमारा है वो हम करके फिर से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कब्जा गिर हैं या कुछ लोग इंतपसनी कर रहे हैं, वो लोग आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर 5 करोड़ से ज़्यादा चिंदा होता है, वो चिंदा कुछ लोग उस पे कब्जा कर रहे हैं, और वो चिंदा लेकर और उस वो अपना ही प्रोग्राम मना रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि भील, कोली, मेंघवाड़, उन जातियों जो शेड्यूल कास्ट बरादरियाँ हैं उनको अलग से खाना खिला रहे हैं, और जो स्पेशल पर्सन हैं, स्पेशल लोग हैं, जो माली हैं, बनिया हैं, और भी बड़े जातियाँ हैं, वो जो है अलग से स्पेशल उसको खाना खिला रहे हैं। ये बात जो हमें थोड़ी बुरी लग रही है, क्योंकि हम भी हिंदू हैं, ये यहाँ पर तो हिंदू बिरादरी हम साथ रहने की बात कर रहे हैं। हमारे जो भी यहाँ पे जो नुमाइंदे हैं हिंदू बिरादरी के, अकलियत नुमाइंदे, वो भी ये बात कह रहे हैं कि हम अकलियत के नुमाइंदे, ये बात नहीं कह रहे हैं कि हिंदू बिरादरी जो डिवीजन हो रही है। अगर ये डिवीजन होंगी तो हम भील, कोली, मेंघवाड़ कहाँ जाएंगे? यहाँ पर मंदिर में भी हमारे, आपकी बात काट रहा हूँ, आपका 5 करोड़ रुपए चंदा किसने दिया? देखो, हम भील, कोली, मेंघवाड़, हम भील भी 30 लाख हैं, हम 30 लाख यहाँ पर आते हैं, 10-10 रुपए करते हैं, तो हमारे बताओ 30 लाख रुपए से ज्यादा पैसे बनते हैं, तो 30 लाख रुपए हमारे बनते हैं, मेंघवाड़ों के अलग बनते हैं, और दूसरे कास्ट हैं वो भी आते हैं यहाँ पर चिंदा देते हैं। कौन संभालता है यहाँ पे शिव? देखो, मंदर के इंतजाम कौन संभालता है? देखो, शिव मंदिर पे इंतजाम जो संभाल रहे हैं वो कुछ लोग हैं, वो संभाल रहे हैं। स्पेशल हमारे यहाँ माली बिरादरी के नुमाइंदे, लाल माली भी है हमारा नुमाइंदा, वो भी संभाल रहे हैं, चौहत माली भी संभाल रहे हैं, राजपूत बिरादरी का यहाँ पर है, लेकिन हमारे भील बिरादरी का यहाँ पर प्लाट भी नहीं है। और यहाँ पर क्या है कि वो बोल रहे हैं ये हमारा राजपूत बिरादरी का है, ये हमारा जो बना हुआ है ये माली बिरादरी का है। यार, हम भी यहाँ पर रह रहे हैं सिंध में, तो यहाँ पर मंदिर पे हमारा भी कोई तो आश्रम बना होगा, हमारा आश्रम नहीं है भीलों का और कोलियों का नहीं है, मेघाड़ों का नहीं है, राजपूतों का है और मालियों का है, बनियों का है और बिरादरियों का क्यों नहीं है? हम ये आपके सामने ये बात ले आ रहे हैं कि हमारी बिरादरी के लोग, औरतें और बच्चे भी आते हैं, उनको साइड पे खिला रहे हैं, ये हमें बात अच्छी नहीं लग रही है। हम माली बिरादरी को भी कहते हैं, बनियों को भी कहते हैं, सारे बिरादरी के नुमाइंदों को भी कहते हैं कि ये हमारा नुमाइंदा आपका जो वोट दे के आपने जिसको आला एवान तक पहुंचाया है, उनमें से कोई ऐसा नुमाइंदा आपका अकलियत का यहाँ पे कोई पहुंचा है मंदिर पे? इस पे देखो, 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 ये बड़ा आस्थान है हमारा, हमारा मंदिर भी है, अभी तक तो नहीं आया, लेकिन कल तो आया, तो हम नहीं आएंगे वो पता नहीं है, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे। आप जिस तरह बताया आपने कि यहाँ पे अपना लुआना हिंदू कम्युनिटी या माली कम्युनिटी भंडारा चलाती है, क्या आप दरावड़ा और भील या ओड वगैरह आप क्या भंडारा नहीं चला सकते यहाँ पे? मैं आपको ये बताता चलूं कि इधर हमारा, इधर हमें प्लाट देने की ये कोशिश नहीं कर रहे। हम प्लाट मांगते हैं, लेकिन ये हमें प्लाट भी नहीं देते जहाँ हम अपनी जो है झोपड़ी बनाए या कोई जगह बनाए। और दूसरी बात मैं बताऊं कि ये हमारी कम्युनिटी जो है वो गरीब कम्युनिटी है, ठीक है।
ठीक है, इन लोगों के पास ये भंडारे के जो पैसे आते हैं, जो चंदा जो भी आता है, वो भी ये लोग रखते हैं। मैं कहता हूँ अगर हमें द्रावड़ कम्युनिटी में ये चंदा बांट दिया जाए तो इंशाल्लाह इससे भी बेहतर हम काम चलाएंगे। हम आपको बताते हैं क्योंकि ये जो भंडारे के पैसे है वो जो माली कम्युनिटी के लोग और बनिया कम्युनिटी के लोग रखते हैं, बाकी हम भील, कोली, मेंगवाड़, जोगी और वगैरह हैं वो मुतासर हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ हमें ये इधर कोई हाल दिया जाए, हमें कोई जगह दी जाए, प्लाट दिया जाए। प्लाट देंगे तो हम उधर अपनी जगह बनाएंगे इंशाल्लाह। हम दरावड़ इन लोगों से अच्छे तरीके से, इन लोगों से भी अच्छी रोटी खिलाएंगे इन लोगों को। सर काफ़ी संख्या में, काफ़ी तादाद में आप ही की बिरादरी के बराबर में लोग बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, हमारी कम्युनिटी के लोग बैठे हैं। मैं तो कहूँगा ये हमारी कम्युनिटी की बड़ी मेहरबानी है, इस मंदिर की हिफाजत के लिए हमारी कम्युनिटी के लोग बैठे हैं। सर अभी भी बराबर में आसमानियों का आस्थान है, वहीं पे कब्जे भी जो है आपकी बिरादरी ने किए हुए हैं। सर माफ़ कीजिएगा, मैं आपको बताता चलूँ, मेरी कम्युनिटी से बढ़कर समेजा कम्युनिटी और रहमा कम्युनिटी के लोगों की यहाँ कब्जागिरी है, हमारी भील कम्युनिटी के कब्जागिरी बिल्कुल नहीं है। अगर होगी मैं आपको कहूँगा लोग आ जाए हमारे सामने, उन भील लोगों की कोई कब्जागिरी मैं ख़त्म करवाता हूँ। सर अभी अभी हम होके आ रहे हैं आसमानियों के आस्थान पे, वहीं पे एक पुजारी बैठे हैं, वासुदेव नाम है, उन्होंने दिया है जो बयान अभी हमारे पास रिकॉर्ड है, उन्होंने एक कम्युनिटी हॉल भी बाहर दिखाया है। लिहाजा हम आपसे ये मौकफ लेना चाहते हैं सर कि वाकई में ये हकीकत है या वैसे ही झूठ है। वो झूठ बोल रहे हैं, हकीकत बिल्कुल ही नहीं है। मैं कहता हूँ अगर भील कम्युनिटी का कोई कब्जा है ना, वो मैं ख़त्म करवाऊँगा। थैंक यू सर। अच्छा सर अभी आप कुछ चीज़ें यहाँ पे जो इतना बड़ा इसी संख्या में इतने यहाँ पे जो हिंदू आपकी कम्युनिटी के लोग आते हैं इसके लिए क्या क्या तजवीज़ें हैं आपके पास, प्लीज़ आप हमें शेयर करें। मैं ये कहूँगा कि हमारी कम्युनिटी को अपनी जो है वो यकमस्तक अपनी जगह पे खड़ा होना चाहिए, और वो कहते हैं कि इकट्ठे ही होने की ज़रूरत है हमें, और हमें साथ होने की ज़रूरत है। जो हम हमारी कम्युनिटी जो है भील कम्युनिटी और कम्युनिटी, मैं कहूँगा हिंदू कम्युनिटी जो भी है, उनको साथ होने की ज़रूरत है। लेकिन उस बड़े लेवल पे हम सब बिरादरियों के साथ हैं, लेकिन यहाँ जो इंतहा पसंदी जो भील, कोली, बनियों और मालियों में जो फ़र्क नज़र आ रहा है, मैं इन सिस्टम से खिलाफ़ हूँ। मैं इन लोगों को कहूँगा कि बराए मेहरबानी ये फ़र्क ख़त्म करें आप। दोस्तों आपने यहाँ पे जो है ख़ास तौर पे जो BIF भील इंटर दोस्तों के आपने बातें सुनी, और हमारे साथ जो एक हमारे यहाँ पे जो है नुमाइंदे हैं जिन्होंने अभी इलेक्शन फाइट किया था, जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, उनकी भी बातें आपने सुनी। उनका यही एक कहना है कि हमसे दो रवैया इख्तियार किया जा रहा है, हमारी जितनी भी शेड्यूल कास्ट है उनके साथ जो है जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है वो 21वीं सदी में नहीं होना चाहिए। आज तक हमें जिस तरह खाना खिलाया जाता है वो इस तरह यहाँ इस धाम पे नहीं होना चाहिए कम से कम। और उसके साथ साथ उन्होंने ये एक अपने अल्फाजों में ये डिमांड भी की है, उन्होंने अपनी ख्वाहिशात जाहिर की है कि हमें कुछ यहाँ पे प्लाट दिया जाए जिसमें हम अपना एक छोटा सा आश्रम बनाएं, या हम उसके अंदर एक ऐसी जगह बनाएं जहाँ पे हम अपनी कम्युनिटी के साथ दूसरे लोगों को भी भंडारा करवा सकें।